तो ये हमारा गुड़ वाला खाजा बन रहा है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत दिखने में लग रहा है। इस तरह से हम इसको भी फिर सारा निकाल लेंगे। गुनगुना पानी इसलिए लेते हैं कि हमारा जो खाजा का मैदा ज्यादा देर हम सान के छोड़ नहीं सकते। क्रीम की तरह हो गया, जैसे दूध का क्रीम होता है उस तरह से हो गया है। एक एक इंची का छोटा छोटा पीस इसका हम तैयार कर लेंगे। तो हम रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको सामान बताते हैं। हम ये 20 कप से 2.5 कप मैदा लेंगे, लगभग 500 ग्राम के अंदाज़ हम मैदा लेंगे। तो आप वजन से भी ले सकते हैं, आप कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी बराबर लेना है। तो हम ये 2 कप हुआ और ये 1/2 कप, तो लगभग 500-550 ग्राम का हमारा ये मैदा हुआ। झटपट बनाने के लिए इसमें आपको थोड़ा सा सुसुम पानी, गर्मी के मौसम है तो नॉर्मल पानी चलेगा, ठंडा का मौसम है तो गुनगुना पानी ले रहे हैं। हम गुनगुना पानी ले रहे हैं। गुनगुना पानी इसलिए लेते हैं कि हमारा जो खाजा का मैदा ज़्यादा देर हम सान के छोड़ नहीं सकते हैं, और नॉर्मल पानी से सानेंगे तो उसको 1-2 घंटा फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसीलिए गुनगुना पानी ले रहे हैं। हमारा मैदा आराम से और बहुत जल्दी फूल जाएगा, इसीलिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें पानी एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको, इसमें कुछ डालना नहीं है, बस इस तरह से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी देकर के, एक बार पानी नहीं डालेंगे। तो आपको मैदा किस तरह से गूंदना है, आपका घर में जो रोटी पकाते हैं, चपाती पकाते हैं, उससे थोड़ा सा टेट लेंगे मैदा, गूंदना उसी प्रकार से, लेकिन आटा उससे थोड़ा सा टेट लेंगे। इस तरह से हम पानी देकर के सबको, तो इसमें न खाने वाला सोडा ना या और भी कुछ देना है, केवल मैदा और पानी को मिक्सर से तैयार करेंगे हम इसको। इस तरह से हम गूंद लेंगे। तो आपका भी मन में ये भी ख्याल आता होगा कि मैदा तो थोड़ा चिम्मर होता है, तो इतना आराम से इजी इस तरह से लंबा कैसे बिला जाता है, तो हम वो भी ट्रिक बता देंगे कि खाजा इस तरह से कैसे बेला जाता है। तो ये मैदा मेरा गूंदा गया है। अब इसको, इस मैदा को हम 3 से 4 बार इतना छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, 3 से 4 बार, जो हमारा मैदा का जो खुदराहापन जो है सब आराम से हो जाएगा, और लच्छापन जो चिमड़ापन जो होता है, लंबा बनता है बेलने में, वो आराम से बेला जाएगा। इस तरह से हम अगर गूंद करके डायरेक्ट बेलेंगे तो हमारा आटा मैदा टूटेगा, फटेगा बेलने में। तो इस तरह से हम, ये हमारा एक बार हुआ, इसी प्रकार से फिर सबको कर लेंगे, और उसी प्रकार से फिर हम 3 से 4 बार, जैसे एक बार हो गया 2 बार और हम इसको इसी तरह से छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे। तो ये खाजा बनाना एकदम आसान और सरल तरीका है, जो आप इस तरह से कीजिएगा आराम से घंटों का काम मिनटों में करके आप निपट सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया, और इसके बीच 2 बार और तोड़ेंगे हम। इसी तरह से तोड़ के सबको फिर एक गोली तैयार कर लेंगे, जैसे हम ये दोबारा कर लिए, इसको फिर छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। इस तरह से हम तीसरा बार में कर रहे हैं, और इस तरह से हम आटा को आपको देखने में, जितना बार तोड़े उतना बार आटा का थोड़ा सा फटरापन चिकना हो जाता है। ये हमारा 4th बार है, लेकिन 3 से 4 बार एकदम आपको कंपलसरी तोड़ना है इसको। ये आप लोग के लिए हम थोड़ा मैदा लेके बता रहे हैं कि आप लोग आराम से इजी बनाना सीख जाए। तो हम लोग शादी ब्याह में बनाते हैं, बहुत सारा मात्रा में बनाते हैं, तो थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन हम लोग का काम है, तो इसीलिए आपको बना के हम ये बता रहे हैं। ये मैदा को इस तरह से 3 से 4 बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तोड़िएगा, आपको जो लंबा लच्छा जो मिलाता है रोल, जो पड़ा पूरा लंबा ऐसा बेल देते, तो नहीं बेल सकिएगा, टूट जाएगा। इसको इस तरह से हम, फिर ये हमारा फाइनल आ गया है। इसको हम इस तरह से हम कर लेंगे, और लंबा ऐसा डो इसका इस तरह से बना लेंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में रहता है तो इसका 2-3 को पार्ट बनाते हैं। ये थोड़ा मैदा का, ये आपको 500 ग्राम मैदा का एक बना लिया। इसमें थोड़ा सा सरसों तेल या रिफाइन, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सरसों तेल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रिफाइन यूज करते हैं तो रिफाइन, या बादाम का तेल यूज करते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी और डालडा छोड़ करके
आप कोई भी ऑयल इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें अब हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, जो तेल लगाने का भी वजह है, तेल लगाने से जो हमारा मैदा जो ऊपर का लेयर जो है सूखेगा नहीं। तो इसी तरह से हम चारों बगल इस तरह से लगा लेंगे और एक साफ सूती कपड़ा से भिजा को कॉटन से इसको ढक लेंगे हम। एक सूती कपड़े को हम पानी में अच्छी तरीके से भिगो लिया और पानी इसको गाड़ लेंगे हम अच्छे तरीके से। ये ध्यान रहे कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए। इसको हम अच्छे तरीके से गाड़ लेंगे थोड़ा सा। अब इस जो मैदा को हम खाजे के लिए साने हैं, तेल लगा के जो रखे हैं उसको इस तरह से हम ढक देंगे और इसको सेट कर लेंगे। अब इसमें जो मसाला जो साट लगाते हैं, जो हम लोग साट बोलते हैं, क्रीम भी बोल सकते हैं, तो उसको हम तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो गाढ़ा बर्तन ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग प्लेन थाली छिद्रा हुआ थाली में बनाते हैं, जो हाथ फेंटने में आसान होता है, जल्दी हो जाता है। तो लगभग हम एक बड़ा चम्मच घी ले लें, अगर क्वांटिटी में आते हैं तो लगभग 50 से 60 ग्राम होगा। तो घी को गला करके हम फ्रिज में रख के जमा दिए थे। गला पिघला हुआ घी का नहीं बनेगा, या तो फिर आप डालडा का बना सकते हैं, आराम से बनेगा। जिसको अब हम लगभग 2 मिनट इस तरह से हम फेंटेंगे, जो हमारा एकदम चिकना हो जाएगा, वाइट होगा। तो बस इसी तरह से हम अगर मात्रा में, अगर शॉर्ट में बनाना है तो मात्रा में आप मिक्सी में दे करके 2-3 मिनट चला सकते हैं, तो कम हो गया तो इसे पता चलेगा नहीं। इस देखिए ये हमारा एकदम क्रीम के तरह हो गया, जैसे दूध का क्रीम होता है उस तरह से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम सूखा मैदा इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा सूखा मैदा लिए। अगर 100 ग्राम हमारा घी है तो 125 ग्राम के अंदाज 125 से 150 ग्राम ये मैदा लेंगे। मैदा हम दोबारा डाले हैं, इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मैदा एक बार थोड़ा और लेंगे, तो ये लगभग खाने वाला चम्मच से 3 चम्मच हम मैदा लिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम घी में पहले अच्छी तरीके से इसको सान लेंगे। थोड़ा सा मैदा और लास्ट ये फाइनल हो गया। थोड़ा थोड़ा देकर के 3 से 4 बार हम मैदा लिए, जब ये हमारा अच्छी तरीके से ये गूंदा गया, ये देख सकते हैं। अब इसको हम तरती के सहारे, इसके सहारे हम इसको मलेंगे। लगभग 2-2.5 मिनट तक इसको मलेंगे हम, तो हमारा हार वाइट होगा और हल्का होगा, ऐसा हो जाएगा जैसे हम क्रीम खाते हैं केक में, उस तरह से हो जाएगा। ये हमारा मैदा डालते डालते थोड़ा टाइट हो गया इसको। इसी तरह से हम 2 मिनट हमारा जब हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा सरसों तेल या रिफाइन या बादाम का तेल देके थोड़ा सा लूज कर लेंगे हम, जो हमारा खाजा में कवर करेंगे हम। खाजा में लगाने से आराम से हमारा इसका लेप चढ़ जाएगा, उस तरह से थोड़ा सा लूज करेंगे हम। लगभग हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल डालेंगे इसलिए, जब सरसों तेल डालने से हमारा खाजा अच्छी तरीके से खिलता है। इसमें खाने वाले चम्मच से एकदम थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे, जो हमारा ये टाइट है लूज भी हो जाएगा और खाजा हमारा अच्छी तरीके से खुलेगा। इस तरह से हम सरसों तेल देके मिला देंगे, अच्छी तरीके से मिला देंगे। मिलाने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, एकदम आराम से मिला लिए हम। अब इसको एडजस्ट करके एक जगह रख देंगे। अब हम जो मैदा जो सान के रखे हैं उसको हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा हलवाई वाली पाटा। आप लोग के पास तो इतना लंबा अगर पाटा हो जाता है तो आराम से भी एक बार में बेल सकते हैं, नहीं तो आप किचन का स्लेब पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पांडा को अच्छे तरीके से पोछ लिए हैं, इसमें अब थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस तरह से। जब हमारा जो मैदा जो इस पर चिपकेगा नहीं, आराम से ससरेगा। तेल लगाने का रीज़न यही होता है कि हमारा मैदा जो है आराम से वो ससरेगा, स्लिपिंग करेगा, इस कारण से हम सिर्फ तेल से नीपापोती हम कर लिए हैं। ये हमारा बेलन देखिए, बेलन में थोड़ा तेल मालिश हो गया। अब ये हमारा मैदा का बारी है, तो मैदा हम कपड़ा से इस तरह से निकालेंगे, कपड़ा को सेट करेंगे और इसको इस तरह से हम उठाएंगे, इस तरह से पाटा को रखेंगे और हाथ पे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे इस तरह से, जो हमारा बेलने में बहुत आसान होगा और प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इसको पहले हम पीछे का ओर बेलेंगे इस तरह से, देखते हैं तेल डालने से हमारा स्लिप और जो ये मैदा तोड़ने का जो वजह था, जो हम बताए 3 से 4 बार हम तोड़ेंगे,
जो हमारा लंबा जो बेला जा रहा है उसमें फटता नहीं है। गुनगुना पानी से भी यही वजह है कि गुनगुना पानी सना तो मैदा हमारा जल्दी सॉफ्ट और जो इसका खुदरापन जो है चिकना में बदल जाएगा। इस तरह से हम लंबा पहले पीछे के पोर्शन में हम बेल लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से हम उठा करके अब आगे का पोर्शन हम बेलेंगे। ये हम इतना हमारा बेल चुके हैं, अब बेलने का जगह नहीं है, तो ये हमारा जो क्रीम बनाया है इसको इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम हल्का सा इस तरह से हम लेप लगा लेंगे। पूरा में इसको हम लेप लगा लेंगे। और थोड़ा सा सरसों तेल या फिर रिफाइंड से ही इसको अच्छी तरह से लेपेंगे। तो ये आप हमारा ही देख सकते हैं। अब इसको राउंड करना है तो धीरे धीरे एक साइड से पहले बराबर का राउंड करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से थोड़ा सा हाथ का सहारा लेंगे, खींचेंगे इसको थोड़ा इस तरह से और हमारा इस तरह से अगर साइड निकलेगा तो दोनों साइड से इस तरह से हम दाब लेंगे, फिर थोड़ा सा फैलाएंगे, फिर इस तरह से दोनों को लेयर बराबर में लेके चलना है। जो हमारा ये हमारा इस तरह से पहला पार्ट में हम इसको बेल चुके, फिर इसको इस तरह से उठा करके फिर यहाँ पर लाएंगे, सेंटर पर लाएंगे, बजा बजा इसको फिर हम इसी तरह से हाथ से आगे दाबेंगे और आगे के और इसको बेलेंगे। तो ये हमारा आपके बीच एक अच्छा सा रोल वाला रोटी का भी इसका तैयार हो चुका है। अब इसका हम लोग खाजा बनाते हैं। आप इसका चाहें तो इस तरह से पीस पीस काट के इसका बहुत तरह नाश्ता भी बना सकते हैं, आप इसका बहुत सा ऐसा डिश बना सकते हैं और मेहमानों को दोस्तों को खिला सकते हैं, बच्चे को टिफिन के लिए लंच बना के रख सकते हैं इसी तरह से। तो ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन जो है इस सबको भी लेप लेंगे इस तरह से। और तो इसको हम बेल के हम साइड कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा रन हो गया है। अब इसको हम थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे, ज़्यादा देर नहीं, 4 से 5 मिनट। और इसी कपड़ा से हम ये ध्यान रहे कि इसमें पपड़ी नहीं पड़े, इस पर ढक देंगे। अब एक बर्तन में हम तेल चढ़ा लेंगे जिसको बेलेंगे और तलेंगे। अरे होता है कि हम लंबा रोल बेल नहीं है उसको बेलने के बाद बहुत देर छोड़ देंगे, तो वैसा कोई बात नहीं, 5 से 7 मिनट छोड़ना है इसको। और उस बीच हम जब इसका पेट तैयार पीस तैयार करेंगे तो पीस तैयार करने के बाद थोड़ा छानना है कि पीस तैयार करने के बाद बहुत देर छोड़ देंगे, वैसा कोई बात नहीं है। कढ़ाई गर्म हो रहा है, अब इसमें हम रिफाइंड तेल डालेंगे। तो लगभग 2 से 2.5 लीटर डालेंगे तेल, जो हमारा खाजा छानने में पलटने में थोड़ा सा हिला वाला होना चाहिए तेल, इसीलिए मात्रा में थोड़ा तेल इतना लगेगा नहीं, लेकिन छानने समय थोड़ा तेल ज़्यादा देना होगा। तो जितना देर में हमारा तेल ये गर्म हो रहा है तो उस भी जो हम वही तैयार करके रखे थे लंबाई से राउंड बना करके, उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम खाजा पे आएंगे आकार पे। तो कपड़ा को उगाड़ लिए हम और इसको हम धीरे धीरे इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरह लेके जाएंगे, हाथ का थोड़ा पुश करेंगे हाथ थोड़ा सा इस तरह से हम। तो हम एक तरह से ये लंबा इतना हो गया, फिर इधर से पलट के फिर इस तरह से हम उसी प्रकार से दोनों को धीरे 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 एकदम आराम से लंबाई से। अब इसको इसी जगह पर रख करके हम इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे जो हमारा ये लंबा आकार हो जाएगा। थोड़ा सा हाथ से इसको पुश करेंगे, हल्का दाबना है बस इस तरह से हम। अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दाब लेंगे। तो ये हमारा गुड़ वाला खाजा बन रहा है, तो देख लीजिए आराम से ये हमारा उठ गया गुड़ वाला खाजा बन रहा है। इसमें बेलने का अब नहीं है, जो बहुत लंबा बेलना है तो उस तरह से इस तरह से हम छोटा छोटा अपना 1-1 इंची का छोटा छोटा पीस इसका हम तैयार कर लेंगे इस तरह से हम।
इस तरह से हम काट लिए। अब थोड़ा सा हाथ से इस तरह से हम दाब लेंगे, एक लेंस से सेट करेंगे, इस तरह से हम उठा के रख सकते हैं। पीसेस भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा खड़ा हो गया। तो लगभग हम समझते हैं पीस में 40 पीस के लमसम हो चुका होगा। इसको नहीं दिखाऊंगा। अब इसको हम एक पीस ले लिए हैं, गुड़ वाली खा जाए तो इसको उंगली के सहारे इस तरह से हम दाब देंगे। और हल्का सा ये बेलन का इस तरह से करना, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। तो चलिए इसी तरह से सबको हम बारी बारी कर लेते हैं। पहले उंगली से पुश करेंगे, फिर इस तरह से हम बीच में हम थोड़ा सा तेल भी देख लेंगे, जो हम तेल फ्राई करने के लिए चढ़ाए हैं वो कैसा है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। थोड़ा सा मैदा का टुकड़ा डाल करके, तो ये हमारा लगभग खाजा छाने वाला तेल हो चुका है। तो हम एक इसमें जिसका जो साइड वाला था वो डाल के देखते हैं, थोड़ा सा और गर्म होगा तो उस बीच 5-7 और बेल लेते हैं हम। ये हमारा खाजा छानने लायक तेल हो चुका है, तब इसमें हम बारी बारी जो बेल के रखे हैं वो खाजा डालेंगे इस तरह से। अगर बाय चांस तेल थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाता है तो उस पर परेशान नहीं होना, थोड़ा सा नॉर्मल तेल डाल देंगे तो हम ये हमारा तेल बराबर हिसाब में आ जाएगा। इस तरह से हम चलाएंगे जब तक हमारा खाजा ऊपर नहीं आ जाए, तो थोड़ा सा इस तरह से चलाएंगे, हमारा थोड़ा खाजा खुलेगा। और बारी बारी तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी पलटेंगे हम, अगर जल्दी जल्दी नहीं पलटेंगे तो हमारा खाजा खुलेगा नहीं। इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा इस तरह से हम खोलेंगे, जो हमारा खाजा बहुत अच्छी तरीके से फूलेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। इस तरह से तेल को हिलाना है और तब थोड़ा नॉर्मल कर लेंगे, जो हमारा लेयर ये थोड़ा मोटा है, सीजने में थोड़ा समय लगेगा। इस तरह से उल्टा पलटा करके आपको बारी बारी करके, अगर नहीं चलिएगा तो एक नीचे ऊपर से कड़ा हो जाएगा, नीचे कच्चा रह जाएगा बीज वाला माल। तो इसीलिए आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि आपको बारी बारी तुरंत तुरंत पलटाना होगा। थोड़ा सा ये हमारा अच्छी तरह से खाजा फूल चुका है, देख सकते हैं। ये हमारा गुड़ वाला खाजा तो इससे ज़्यादा हम नहीं फुलाएंगे। इस तरह से पलटा पलटा करके हम थोड़ा सा इसका हल्का भूरा कलर करेंगे हम। ऐसे नॉर्मली खाजा तो वाइट ही रहता है, लेकिन इसको थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज होने आने तक इसको सेक लेंगे हम और उसके बाद निकाल लेंगे हम। तो हमारा देख सकते हैं कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब हमारा निकालने का समय आ गया है, इसको निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से हम निकाल करके जाली वाले बर्तन पर रख देंगे, जो हमारा नीचे से ये घी चुएगा। तब हमारा बचा हुआ जो खाजा है उसको छानना है। तो तेल तो हमारा हीट हो चुका है, तो सब ठंडा होने के ना इंतज़ार तो नहीं करना है हमको। तो इसमें जल्दी करने के लिए क्या है, जो हमारा थोड़ा सा ठंडा तेल वो डालेंगे हम। इस तरह से हम थोड़ा सा ठंडा तेल डालेंगे और ज़्यादा हो जाएगा कढ़ाई में तो फिर निकाल लेंगे हम। इसको हम चूने के लिए इसी में छोड़ देंगे, थोड़ा सा इसका तेल नीचे से चुएगा। अब जो हमारा सारा खाजा जो हम बेल चुके रख चुके हैं, उसको उसी प्रकार से हम बारी बारी सब छान लेंगे। ये हमारा दूसरा बार भी जो खाजा छोड़े थे हम तलने के लिए, ये हमारा दूसरा बार भी हो चुका है, कलर में आ गया। देखते हैं बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत दिखने में लग रहा है। तो इस तरह से हम इसको भी फिर सारा निकाल लेंगे। तो आपको जब भी खाजा निकालना हो तो किसी जालीदार बर्तन में निकालिए, अगर ऐसा नहीं है तो बांस का टोकरी आता है उसमें भी आप किसी प्रकार जालीदार में बर्तन निकाल देना। इसलिए जो इसका गैप जो रहता है, इसमें तेल फंसा हुआ रहता है, इसी बर्तन के नीचे रख लेंगे। तो हमारा ये सारा जो तेल है, इस तरह से देखिए नीचे से हमारा ठप ठप चू रहा है, इसको हमारा सब चू जाएगा। तो फिर किसी बर्तन में हम इसको रख लेंगे और हमारा जो बचा हुआ खाजा है उसको फिर से उसी प्रकार से हम तेल ठंडा डालेंगे थोड़ा। तो हमारे तेल डालने से ये हमारा तेल नॉर्मल हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा तेल डालते हैं फिर निकाल लेना है, जो आपको पलटने में चलाने में आसान हो। ये हमारा खाजा सब छान के तैयार रेडी हो गया। अब इसको गुड़ में पाकना है, तो गुड़ कैसे पाकेंगे तो वो दिखाते हैं हम। गैस को हम चालू कर चुके हैं, इसमें 100 ग्राम पानी डालेंगे, इससे एक गिलास पानी दिए हम। हमारा पैन गर्म हो चुका है और हम ढेला वाला गुड़ इस्तेमाल करेंगे।
गीला गुड़ भी आता है तो गीला गुड़ थोड़ा गंदा रहता है, इसीलिए हम नहीं लेंगे। इसको हम थोड़ा सा तोड़ करके इस तरह से गला लेंगे। तो लगभग ये हम 500 ग्राम गुड़ इस्तेमाल करेंगे इसमें, और जितना पानी भी है गुड़ गलते गलते ये हमारा पानी पूरा जल जाएगा। इस तरह से हम सारा गुड़ तोड़ के, ये खजूर वाली गुड़ आती है, तो ये हमारा 5 ढेला था, तो 5 ढेला को इस्तेमाल कर लिए हम। ये हमारा लास्ट ढेला है। गुड़ जब तक गल जाए अच्छी तरीके से, और गुड़ डालने के बाद इसको चलाना है, अगर चलाना छोड़ देंगे तो ये हमारा गुड़ जल जाएगा। अगर गीला वाला गुड़ यूज इस्तेमाल करते हैं तो गीला वाला में बहुत सारा गंदगी रहता है, तो इसीलिए हम गीला वाला इस्तेमाल कर लें। इसको अच्छी तरह से गला लेंगे और अच्छी तरह से एक बाल आने देंगे। जैसे चीनी का चाशनी बनाते हैं तो पानी डालते हैं ढेर सारा, तो थोड़ा सा गढ़ाने के लिए समय लगता है। इसको हम अच्छी तरह से एक मरते, ये हमारा देखिए गुड़ अच्छी तरह से गल चुका है, अच्छी तरह से वालाने देंगे। उसके बाद उसको हम बुता देंगे, लेकिन चलाना नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू चलाना है। आप देख सकते हैं ये हमारा गुड़ अच्छी तरीके से खोल चुका है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा इस तरह से चला करके थोड़ा ठंडा करेंगे। अगर गर्म में डाल देंगे तो गुड़ तो पकड़ लेगा, लेकिन हमारा जो खाजा, ये हमारा काजा जो हार्ड है, कुरकुरा जो है, अगर हम इसमें डाल देंगे अभी तो ये हमारा साग से इस तरह से हो जाएगा, जैसे घर में पराठा खाते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, उस तरह से हो जाएगा। तो इसीलिए गर्म में नहीं डालना है। इसको चला करके इसको हम बढ़िया से गुनगुना, जो हम आराम से उंगली डालें हमारा ये इसमें बर्दाश्त कर जाए, उस प्रकार से हम इसमें गुड़ चढ़ाएंगे। ये हमारा गुड़ नॉर्मल ठंडा हो गया है, जो हम हाथ बर्दाश्त हो सकता है, तब इसमें हम खाजा को पाकेंगे। तो इस तरह से हम 2 सिक का सहारा लेंगे, और किस प्रकार से देना है वो भी हम बताते हैं। इस तरह से हम सिक को रखेंगे और एक एक खाजा हाथ से उठाएंगे हम, और देखिए इस तरह से लेंगे हम एक, इस तरह से दूसरा तरफ लेंगे, और इसको इस तरह से हम यहाँ से उठा कर रख देंगे। जब हमारा एक्स्ट्रा गुड़ है नीचे से निकल जाएगा, उसी तरह से हम बारी बारी सबको कर लेंगे। ये हमारा जो इस तरह से देख रहे हैं, जो हमारा ठप ठप करके नीचे छू रहा है, उसको निकालेंगे तो फिर इसमें सरिया लेंगे। ये हमारा इसी तरह से, और बहुत मात्रा में गुड़ लगाना, जिसको देखे थोड़ा सा लटपटा देना एकदम पूरा। इसका नाम हो गया दामदर खाजा। तो हमारा आप देख सकते हैं आपका भी खज्जी रेडी हो गया है, गुड़ वाली खाजा। तो आप इसको सूखने के बाद आराम से किसी कनिस्टर किसी डब्बे में या 10 डब्बे में रख करके 15 दिन रख के आराम से खा सकते हैं, मेहमानों को संदेश बना के दे सकते हैं। तो चलिए आते हैं फिर ऐसे ही एक नए रेसिपी के साथ आपके लिए एक नए वीडियो में।